आज मैं कूलर की सफाई कर रहा था और उसके अंदर मुझे एक अजीब सा मोटर दिखाई दिया जिसे मैंने फटाफट से खोल लिया क्योंकि आज हम करेंगे इसे एक्सपेरिमेंट। इस मोटर का नाम है सिंक्रोनस मोटर और एक कूलर के ऑटो स्विंग मोड में लगा होता है हवा को डायरेक्शन देने के लिए। ये मोटर दूसरे मोटर से काफी अलग होता है। ये इतना ज्यादा स्लो होता है कि एक मिनट में सिर्फ 6 बार ही रोटेट कर पाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसे हाथ से रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर लगा होता है गियर जो उसके पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इसने तो मेरी उंगली को पूरा लाल कर दिया। इस वाले मोटर से हम घर पर बिजली भी बना सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। बस हमें इस मोटर के शाफ्ट को रोटेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इस टाइप का एक हैंडल इसके अंदर लगा देता हूँ। अब मैं इसे रोटेट करना शुरू करता हूँ। वाओ, ये तो मल्टीमीटर में काफी अच्छा वोल्टेज दिखा रहा है, 220 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज। इतना तो हमारा घर में भी नहीं आता है, तो चलो इसे आप कुछ चला कर देखते हैं। ये मेरे पास है एक 9 वाट का LED बल्ब, इसे चला कर देखते हैं। वाओ, ये तो काफी बेहतरीन तरीके से जल रहा है, मजा ही आ गया। ऐसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।